ग्रहों में हर एक ग्रह का अपना अपना महत्व है। मंगल की बात करें तो मंगल का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ग्रहों में सेनापति मंगल होते हैं। जितने भी साहस और पराक्रम से जुड़े हुए कार्य हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ये सब कुंडली में मंगल की अगर पावर बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, तो एनर्जेटिक व्यक्ति को बनाता है। मंगल जो है उसकी कुंडली में दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर वह नीच अवस्था में है, अस्त है, बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो भी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। जनरली बोला जाता है कि मंगल बहुत पावरफुल है या मांगलिक दोष है तो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आए, ऐसा नहीं होता है। मंगल अगर कमज़ोर हो जाएगा तो भी व्यक्ति बात बात पे घबराएगा, डर जाएगा, उसमें वो साहस नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल बहादुरी का कारक है। मंगल शरीर है, देहा, तो इन सब के चलते क्या है कि मंगल की इम्पोर्टेंस बहुत होती है ग्रहों में। तो मंगल को इम्प्रूव करने के लिए हनुमान जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। पूजा पाठ में आप हनुमान जी की पूजा करो, डायरेक्ट मंगल के बीज मंत्रों का जाप ना भी करके अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो अल्टीमेटली दो प्लैनेट्स, मंगल और शनि, देखो शनि की अगर 7.5 ढैया है जो जनरली सब पे मिल जाती है, सभी हॉरोस्कोप्स में किसी न किसी पे ढैया, किसी पे 7.5 चल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में मंगल और शनि दोनों के उपाय होंगे हनुमान जी की आराधना, वो आप कर सकते हैं। मंगल अगर बहुत ही नेगेटिव है कुंडली में, मारक ग्रह है स्पेशली, अच्छे भावों का स्वामी ना हो के बुरे भावों का स्वामी हो के अच्छे भावों में बैठा है, कहीं ना कहीं से पूरी कुंडली अफ्लिक्टेड हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में मंगल के दान करने चाहिए। मंगल अत्यंत योग कारक ग्रह है तो उस कंडीशन में मंगल का स्टोन पहनना चाहिए। मंगल नीच अवस्था में हो, मंगल अपने शत्रु राशि, शत्रु नक्षत्र में हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हो, तो भी मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके स्टोन पहने जा सकते हैं। ये स्थिति देखकर जो है वो मंगल के पहने जा सकते हैं। मंगल की डिग्री सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जिसमें नॉर्मली कोई भी ग्रह बूढ़ा माना जाता है, 28 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास में, वो 28 डिग्री का एक ऐसा मंगल ही ग्रह है जो बहुत पावरफुल हो जाता है 28 डिग्री पे। 28 डिग्री का मंगल जिसकी कुंडली में पावरफुल माना जाएगा। और तो ये जो उपाय हैं वो मंगल से जुड़े हुए करने चाहिए। और डेली दिनचर्या में जो चीज़ें कर सकते हैं आप, वो है वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, थोड़ा सा समय अपने आप को देना, जिमिंग करना, साइकिलिंग करना, खेलना कूदना, कोई भी पसीना जिसमें आए और शरीर थके वो ऐसा कुछ एक्टिविटी जो है वो फिजिकल, रनिंग वगैरह ये सब जो है करते हैं तो भी कुंडली का मंगल इम्प्रूव होता है। तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, इनको करते रहना चाहिए क्योंकि मंगल की पावर आज के समय में सबसे ज़्यादा है।